हेलो दोस्तों, राम राम। आज जो मैं फिल्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो दुनिया का 5 सबसे ज़्यादा हॉररिस्ट मूवी में से एक है, जिनका नाम है द कंजूरिंग। तो फिल्म स्टार्ट होती है जिसमें एक डॉल को दिखाया जाता है और यहाँ पे 3 यंग पर्सन को भी दिखाया जाता है, जिससे किसी भूतिया स्टोरी के बारे में बातचीत किया जा रहा होता है, जिसमें डॉल अपने आप एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाती है। इसमें जो पूछताछ कर रहा होता है वो एक तांत्रिक होता है और उसकी एक वाइफ होती है। एक रिकॉर्डेड वीडियो के द्वारा ये सब दिखाया जा रहा होता है। इसके बाद फिल्म के रियल सीन को दिखाया जाता है और द कंजूरिंग टाइटल के थ्रू से फिल्म स्टार्ट होती है। और ये भी दिखाया जाता है कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो फिल्म स्टार्ट होती है और रॉजर और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें उसकी वाइफ और 5 बेटी को दिखाया जाता है, जिन्होंने एक न्यू घर में शिफ्ट किया हुआ है। और यहीं पर अप्रैल जो रॉजर की छोटी बेटी होती है उसको एक खिलौना मिलता है और यही वो जरिया है जिसके द्वारा भूत इसके घरों में एंटर होता है। सभी बच्चे खुश होते हैं और लुका छुपी खेल रहे होते हैं। तभी रॉजर एक सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है रॉजर को। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ नेकली जो इस फिल्म की एक्ट्रेस है, तभी अप्रैल नेकली को वही चाबी वाला खिलौना देता है और लुका छुपी खेलने के लिए कहता है। तभी फर्स्ट टाइम नेकली को रूम में किसी के होने का एहसास होता है। तभी क्रिश्चन जो रॉजर की सेकेंड बेटी होती है उनके पैर को जोर से किसी अननोन पर्सन ने खींचता है। तभी नैन्सी भी जग जाती है और उसी समय अचानक से रूम का गेट है क्योंकि भूत उस पर ऑलरेडी कब्जा कर चुका होता है। इधर एक और सीन होता है जो पुलिस वाला होता है ब्रैड, उसके ऊपर एक शैतान हमला कर देता है जिससे वो काफ़ी डर जाता है। और फिर एक रियल सीन को दिखाया जाता है। इधर सिंडी के ऊपर भी एक शैतान हावी हो जाता है और सिंडी अचानक से चलकर एक रूम में जाकर बंद हो जाती है। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें पता चलता है सिंडी एक छोटी सी अलमारी के अंदर बंद हो जाती है। तभी लॉरेंस जिससे वो काफ़ी डर जाती है लेकिन यह एक आभास होता है। इधर जब एडन लॉरेंस पुजारी से मिलकर घर रिटर्न आ रहा होता है तभी उसकी बेटी जूडी जो होती है गलती से उसी भूतिया रूम में चली जाती है और वहाँ एक शैतान दिखाई देता है जो काफ़ी खतरनाक होता है। तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बट उसी समय एन मौके पर एडन लॉरेंस आकर उसे बचा लेते हैं। और इधर कैरोलिन और क्रिस्टन और अप्रैल को ले आती है। सबसे पहले शैतान उसकी माँ पर कब्जा करता है और बच्चों का बलि चढ़ाने लगती है। फिर सभी मिलकर क्रिस्टन अप्रैल को बचाने के लिए जाते हैं, मान देते हैं। और इधर क्रिस्टिन तो मिल जाती है बट अप्रैल जो है कहीं पे जाकर छुप जाती है। इधर कैरोलिन इतना खतरनाक हो जाती है कि वो एक पुलिस वाले की जो कान है कान ही काट लेता है। फिर एड कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे कैरोलिन काफ़ी तड़पने लगती है और यहाँ हमें शैतानी चेहरा दिखाई देता है, उसे हत्या करने लगता है। शैतान काफ़ी ताकत लेते हैं और फिर यहाँ पर उनकी जो कैरोलिन की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।